लेक्चर में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है कि पहला है करंट, सेकंड है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, एंड थर्ड हमारे पास है रेजिस्टेंस। तो हम सबसे पहले करंट की बात करते हैं कि एक्चुअली करंट होता क्या है। करंट को हम बेसिकली बोलते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। ठीक है, हम इसको इस तरह कह सकते हैं I इज इक्वल टू करंट ऑन चार्जेस Q ओवर P। इसका हमारे पास क्या मतलब है, किसी मटेरियल में से कुछ चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम उस चार्जेस या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बोलते हैं करंट। तो इसका अगर हमने यूनिट ड्राइव करना हो तो करंट का यूनिट इस तरह ड्राइव कर लेंगे, क्यू का चार्ज का हमें यूनिट होता है कॉलम, और टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकेंड, इज इक्वल टू कॉलम पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वल होता है एम्पेयर के, हम करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं। अब हम बोलते हैं एम्पेयर क्या होता है, और वन एम्पेयर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कॉलम और वन सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है जो हमने ये लिखा है, इसका ये मतलब है कि एक एम्पेयर करंट कब होगा, एक एम्पेयर करंट तब होगा जब किसी मटेरियल में से एक सेकंड में एक कॉलम चार्जेस पास करेंगे, तो तब हम बोलेंगे कि इस मटेरियल में से एक एम्पेयर करंट गुजर रहा है। चार्जेस कह लें या आप इलेक्ट्रॉन कह लें तो एक ही बात है। ठीक है, तो चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए हमें कोई ना कोई तो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे हमारे पास चार्जेस बने, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, अगर इस तरह खुद ब खुद तो ये मूव नहीं करेंगे ना, तो इसको हम मूव करवाने के लिए हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, कोई फोर्स देंगे तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो तभी हमारे पास करंट फ्लो होगा। तो इनको मूव कराने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बॉल पड़ी है, ये बॉल पड़ी हुई है तो ये पड़ी रहेगी, खुद तो मूव नहीं करेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। न्यूटन का ये लॉ भी है कि कोई बॉडी के रेस्ट पर पड़ी है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, मतलब खुद ब खुद वो मूव नहीं करना स्टार्ट करेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो, करंट फ्लो करे, तो हमें चार्जेस को मूव करवाना पड़ेगा, तो चार्जेस को मूव करवाने के लिए हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर बॉल की फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो बॉल को मूव करवाने के लिए हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हम बॉल को उठा के हल्का सी फेंक देते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगा के, तो वो थोड़ी सी दूर जाएगी तो हल्की स्पीड से जाएगी और रुक जाएगी। फिर अगर हम उसको ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगी और ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो इसी तरह हम चार्जेस को फ्लो करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फोर्स हम लगाते हैं कहाँ से, हमें किस तरह फोर्स लगाते हैं चार्जेस को। ये तो नहीं है कि हम मतलब कि हमने किसी चीज़ में तार में से या किसी मटेरियल में से हमने करंट पास कराने तो वहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, चलो भाई चार्जेस जल्दी फ्लो करो भी आप, हाथ से हम फोर्स नहीं लगा सकते। तो ये जो हम फोर्स लगाते हैं ये हम लगाते हैं बैटरी से, या हम जो वोल्टेज का सोर्स यूज़ कर रहे हैं ये फोर्स उससे हम लगाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं किसी सर्किट में, तो ये फोर्स हमें बैटरी प्रोवाइड करेगी। तो जितना हम ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतने ज़्यादा चार्जेस फ्लो पास करेंगे मटेरियल में से एक सेकंड में, उतना ज़्यादा करंट हमारे पास फ्लो होगा। जैसे मैंने आपको बॉल वाली एग्जांपल दी, अगर हल्की फोर्स लगाएंगे तो बॉल थोड़ी दूर तक जाएगी और रुक जाएगी, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी और फिर जाकर रुकेगी। तो इसी तरह अगर हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्जेस हैं वो एक सेकंड में उस मटेरियल में से ज़्यादा पास होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो करंट फ्लो होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब हम जितना करंट वोल्टेज को हम जितना बढ़ाते जाएंगे करंट भी हमारा उसी के मुताबिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, ये वी है, ये आई है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस तरह हमारे पास वी इंक्रीज होगा उसी तरह हमारे पास
करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब थर्ड चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास, ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? अब जैसे मैंने आपको एक बॉल वाली एग्जांपल दी, उसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस रेजिस्टेंस को। अब बॉल आपने उठाई है, उसको फेंका आपने, फिर फोर्स लगाई है थोड़ी सी, तो वो थोड़ी दूर तक जाएगी और फिर रुक जाएगी। वो क्यों रुकी है बॉल? वो क्योंकि उससे रेजिस्टेंस मिली है आगे से। जैसे अगर आप बॉल हवा में फेंकते हैं तो उसे थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी ज़मीन पर, तो उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक तो एयर की रेजिस्टेंस है, हवा उसे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी, उसको मोशन को रोकेगी। बॉल को फोर्स आगे फेंकेंगे, अगर ये बॉल है, मैंने इसे फोर्स लगाई, इधर से फोर्स एफ लगा दी मैंने, इसको मैंने फेंका इधर हवा में, तो इसके ऊपर एक जो फोर्स हो रही है वो ग्रेविटिक फोर्स एक्ट कर रही होगी नीचे की तरफ, और एयर रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर लग रही होगी, जो इसके मोशन को मतलब रोकेगी आगे ना, जिसको अपोज करेगी इसके मोशन को। तो ये कुछ इस तरह का, मतलब तरह नहीं होगा, जैसे नीचे गिर जाएगी या इधर चली जाए, फिर स्लोली स्लोली इसका मोशन कम होता होता यहाँ पर जाके गिर जाएगी बॉल। तो इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास हवा से रुकावट प्रोड्यूस हुई और ये ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इसने रुकावट प्रोड्यूस, इसकी वजह से हमारी जो हमने इसे फोर्स लगाई थी उसको रुकावट मिली, तो ये हमारा जो मोशन था वो रुक गया। इसी तरह अगर हम बॉल बात करते हैं, बॉल अगर ज़मीन के ऊपर रेंगती हुई जा रही है तो थोड़ी देर दूर तक जाती 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 फिर रुक जाती है। वो रुकती क्यों है? उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो उसको पोजीशन प्रोवाइड करती है, उसके मोशन को रोकती है। अब यही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे हवा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है, ओपोजिशन प्रोड्यूस कर रही है, ग्रेविटेशन इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसके मोशन को रोक रही है, ये है, ये फ्रिक्शन है यहाँ पे। अगर बॉल ज़मीन के ऊपर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इसको एक्ट करेगी और इसको इसको मोशन को अपोज करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो ये जो अपोजिशन है चार्जेस को फ्लो में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब जब किसी मटेरियल में चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके रास्ते में जो रुकावट आती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर किसी मटेरियल में से, फॉर एग्जांपल ये मैं कह देता हूँ एक वायर का पीस है, मैंने उसको जूम किया होगा, इसमें से ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे गए। अभी क्या आप सोच रहे होंगे कि मटेरियल जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो वहाँ पर पोजीशन कैसे आ जाती है? जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को पास कर रहे हैं उसके अपने पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उसके अपने कोई पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन गया, हमने इसे पास कराया, ये जाके इससे टकरा गया इसके एटम्स या पार्टिकल से, तो ये इसके रास्ते में रुकावट आ गई, और इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से, इन्होंने यहाँ इनको पास करके गुजरना होता है और यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ बैटरी का फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है, तो जो रुकावट आ रही है इलेक्ट्रॉन को या चार्जेस के फ्लो में, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.